कांग्रेस पार्टी कौमी इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन ए महेश्वर रेड्डी, साबिका रुकन असेंबली निर्मल की क्यादत और जिले निर्मल कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल की निगरानी में सैकड़ों कांग्रेस कायदेन जिनमें अवामी मुंतखबा नुमाइंदे मंडल सदूर व दीगर ने 75 साल जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर भैंसा डिवीजन के बासर मुस्तकिल में सरस्वती मंदिर में पूजा के बाद शदीद बारिश के दौरान निर्मल जिले में 6 यौम 75 किलोमीटर पैदल यात्रा का आगाज किया, जो बासर मुस्तकिल से निर्मल साई बाबा मंदिर तक के लिए हर रोज 15 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया जाएगा। इस पैदल यात्रा में भैंसा बल्दिया साबिका चेयरमैन वी गंगाधर, फिरोज खान शेरान, एम ए लतीफ, जिले अकलियती जनरल सेक्रेटरी आनंद राव पटेल, रियासती ओबीसी कैद वी श्रीनिवास, भैंसा टाउन सदर और दीगर शामिल थे। के पूर्व में AICC आदेशानुसार हमारे जिला टाइगर महेश्वर रेड्डी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी चेयरमैन और वैसे ही हमारे जिला मंडल हर मंडल के मंडल अध्यक्ष मंडल पार्टी अध्यक्ष सरपंच ZPT से सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूं। आज हमारे आज़ादी होकर 75 साल पूरे हो गए हैं। जिस दिन हमारे को आज़ादी मिली थी उस दिन सबसे पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस दिन गद्दी पे बैठे थे उस दिन आज हमारे देश में हमारे महेश्वर रेड्डी साहब बोले ऐसा इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, विद्या बोल तो एजुकेशन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और रोड्स नहीं थे और प्रोजेक्ट्स नहीं थे और रेलवे लाइन नहीं थे और हमारे एयरपोर्ट्स नहीं थे। अभी 75 साल के पूर्व में हमारा कांग्रेस पार्टी कम से कम 55 साल देश में आज़ादी के बाद देश में परिपालना किया, उस संदेश में आज हम क्या कुछ नहीं करें। जिस दिन हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान हुए थे उस दिन हमारे पास सुई बनाने का कारखाना भी नहीं था उस दिन, और हमारे पास एजुकेशन के वास्ते और कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने 4-5 IIT कॉलेज कला के देश के बच्चों के वास्ते अच्छा होना बोल के उन्होंने करा, और इलेक्ट्रिसिटी देखे तो हमारे गांव में कहीं भी रंदो विलेजेस में कहीं भी मना इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आज हर गांव में 99.99 हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, और वैसे ही जो हेडक्वार्टर मंडल हेडक्वार्टर्स है उसको रोड्स नहीं थे, चलते आते थे, आज हर मंडल हेडक्वार्टर में हम मोटरसाइकिल बस रोड से आ रहे हैं। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फोन जब हमारे देश में आज़ादी हुई थी उस दिन खाली हैदराबाद बॉम्बे ऐसे सिटी में टेलीफोन थे, आज हर गांव में हर विलेज में मोबाइल फ़ोन हुए, स्मार्टफोन हुए। आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे अपोजिशन पार्टी वाले देश को कांग्रेस वालों ने कुछ भी नहीं बनाया बल्कि नारा लगाते हैं। आप सोचने की बात है 55 साल जो आज़ाद कांग्रेस हुकूमत की है उस टाइम में जितना डेवलपमेंट हुआ आज क्या हुआ आप ही सोच लो। हम ज़्यादा आज आज़ादी का दिन है उसके बाद हम नहीं बोल रहे हैं, और ये जो हमारे कार्यकर्ता सब जन आज अच्छी खुशी से इतना पानी बरसते हुए भी आज हमारे पार्टी कार्यकर्ता जो बारिश को परवाह नहीं करते हुए आज जो बासर से हम निर्मल तक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं पद यात्रा कर रहे हैं उसमें हम रोज़ हम ऐसा ही 15-15 किलोमीटर करते हुए निर्मल तक हम 75 किलोमीटर कंप्लीट करके हमारे AICC अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो पूरे करेंगे। और एक बार मैं हमारे AICC इम्प्लीमेंटेशन कमेटी चेयरमैन हमारे जिला टाइगर महेश्वर रेड्डी को धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई मुदोल के और से ये जो प्रगवार को आके हमारे को आशीर्वाद दिया उसके वास्ते मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से मेरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे आज इस दिन इस प्रोग्राम में आए हैं उनको भी धन्यवाद देते हुए मैं भारत माता के बेकविल केक हाउस हम है कुछ खास हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स प्योर घी और No. 1 क्वालिटी के जाफरान पिस्ता बादाम काजू और खोए से तैयार किए गए बेकविल के स्पेशल दम के रोट हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी No. 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद आपके खुशियों का साथी। बेकवेल केक हाउस टोरी चौकी एक्स रोड हैदराबाद।